बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज मन्ना खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मन्ना खान ब्लॉग। कैसे हैं सब? उम्मीदें बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अभी मैं शाम के टाइम है, लगभग 5:40 हो रहा है, तो अभी मैं आया था छत पे और यहाँ का नज़ारा देख के वाकई में कह रहा हूँ, मैंने सोचा कि यहीं से अपना जो एंट्रो है स्टार्ट करूँ। आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो बादल का ये सेट है, काफ़ी लाजवाब लग रहा है। हल्का हल्का मतलब बारिश वाले जो बादल हैं वही हैं, लेकिन बारिश वाला मौसम नहीं लग रहा है। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता इस वक्त, क्योंकि मौसम तो बरसाती वाला है, तो हो सकता है बारिश हो जाए। तो अभी मैं और भैया जाने वाले हैं मोहद्दीपुर की तरफ, तो आज की वीडियो उसी की है, तो मैं आप लोग को वही दिखाऊँगा। तो अभी मैं भैया ही का वेट कर रहा हूँ, वो गए हैं यहीं पास ही में मार्केट में, तो उनके आने के बाद हम लोग निकलेंगे। और हमेशा की तरह जो लोग न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि अपना ढेर सारा प्यार मुझे दीजिए वीडियो को लाइक करके। और इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैंने ज़्यादा नहीं 10 ही रखा है, तो उम्मीद है आप लोग इसे 10 लाइक देंगे। और हम लोग आज मोहद्दीपुर से आगे तो जाना नहीं है मुझे, तो मोहद्दीपुर तक का जो भी है ट्रैफिक नियम, लाइट्स, मार्केट, स्ट्रीट लाइट और रोड पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ये सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है, वो सब हम लोग देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने जो अपने हेलमेट के आगे माउंट वाला लिया है वो मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसकी यूज करूँ, क्योंकि अभी भैया ही के साथ जाना हो जा रहा है तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका यूज करूँगा, तो उसका भी रिव्यू दूंगा कि वो कैसा है, लेने लायक है कि नहीं, तो वो भी हम लोग देखेंगे। फ़िलहाल तो आप मेरे पीछे देख ही लीजिए, काफ़ी लाजवाब मौसम है, मुझे तो काफ़ी पसंद आ रहा है। तो भैया का वेट कर रहे हैं, अब भैया के आते ही हम लोग निकल जाएंगे। और फिर से रिक्वेस्ट है जो लोग न्यू हैं उनसे कि सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। याद है ना, वीडियो का लाइक का टारगेट मैंने 10 ही रखा है, ज़्यादा नहीं, तो उम्मीद है आप लोग इसे 10 लाइक तक पहुंचा ही देंगे। तो चलिए देखते हैं मार्केट। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं गोरखपुर से कुशीनगर वाले रोड पे हूँ, एम्स के पास। और ये जो पोल की लाइटें हैं ये काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। 3 महीने पहले ये लाइटें ख़राब हो गई थी, अब इनको फिर से रिपेयर करके लगा दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और काफ़ी सुंदर लग रहा है इतने ही की वजह से। ये रोड देख रहे हैं, अगर आप रात में आते हैं तो आप देख सकते हैं। और ये एम्स का गेट नंबर 1 है। एम्स का काम की बात करें तो ये भी लगभग 85% तो कंप्लीट ही हो गया है, 15% बाकी है, थोड़ा बहुत और काम बाकी है, उसके बाद कंप्लीट एम्स चालू हो जाएगा। लेकिन कुछ भी कहिए, रात के टाइम में ये वाली रोड जो है इन लाइटों की वजह से काफ़ी सुंदर लग रहा है, अगर आप रात में आएंगे तो आप देख पाएंगे। To the setting, I guess I should've known right from the start. Doing what I can, falling apart, never get. और ये यहाँ का मार्केट है गोरखपुर के एम्स के पास का। यहाँ पे अब ज़्यादातर इस समय एम्स की जो दवाएं मिलती हैं वही अब बेच रहे हैं लोग। ज़्यादातर यहाँ पे जो भी मार्केट था वो सब कन्वर्ट हो गया है मेडिकल स्टोर में। जितनी भी दुकानें थी, मैक्सिमम दुकानें, लगभग 90% दुकानें मेडिकल स्टोर में कन्वर्ट हो गई हैं, क्योंकि ठीक ही है, यहाँ पे लोग आएंगे तो उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं पर दवा मिल जाएगी। और हम लोग आ गए हैं फाइनली कूड़ाघाट चौराहे पर, और रात के टाइम है तो यहाँ पे अभी कोई सिग्नल नहीं है। और ये देख ही रहे हैं, यहाँ पे कुछ गड्ढा खोना गया है, पता नहीं क्यों, हो सकता है सीवर लाइन का गड्ढा हो, कुछ चैम्बर वम्बर लगाने के लिए खोना गया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और देख ही रहे हैं, इस वक्त रात में भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। कुछ भी कहिए, गोरखपुर में भीड़ तो रहती ही है। लाइटें ही दिख रही हैं रात में, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। अगर आप आइएगा तो देखिएगा रामगढ़ ताल के पास से उस पार का नज़ारा, काफ़ी सुंदर लगता है। और ये देखिए, हम लोग आ गए हैं आर के बी के पास, और यहाँ पे भी ये पोल की लाइटें जो हैं इनको रिपेयर कर दी गई हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है। अगर आप रात में आएँगे इधर मोहद्दीपुर की तरफ तो आपको देखने को मिलेगा।
और यहाँ की जो मार्केट है, इस मार्केट के बारे में मैं बता दूँ आप लोग को, यहाँ पे ज़्यादातर फोर व्हीलर्स के पार्ट्स यही सब मिलते हैं। अगर आपको सीट उट लगवाना हो, सीट कवर लगवाना हो, या फिर लाइट कुछ भी, मतलब कि जो भी है फोर व्हीलर के पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। फाइनली हम लोग अब आगे चल रहे हैं मोहद्दीपुर की तरफ। अब हम लोग वहाँ का मतलब सिग्नल भी देखेंगे, वहाँ का भी कैसा क्या हाल है, ये सब देखेंगे हम लोग। और देख रहे हैं मार्केट बहुत ही ज़्यादा जाम है। उधर से आने वाली गाड़ियों की लिस्ट मतलब क्वांटिटी देखिए, गाड़ियाँ आती ही जा रही हैं। यहाँ पर मंदिर है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ओरियन मॉल भी देखेंगे हम लोग थोड़ा कि क्या मतलब कैसा लग रहा है इस वक्त। हालांकि उसमें तो कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुआ है, फ्रंट से भी सेम ही लुक है, कोई ज़्यादा सजावट वजावट कुछ नहीं। और चलते हैं हम लोग अब आगे। और जो न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते हैं। एक चीज़ बढ़िया किया गया है, जो बीच में डिवाइडर ओपन थे उनको क्लोज कर दिया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी गाड़ियां जो बीच से कट लेती थी वो अब नहीं ले रही हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि गाड़ियां कट लेती थी तो उनके पीछे के जो लोग थे जिनको सीधा जाना था उन लोग को रुकना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये देखिए मोहद्दीपुर का ट्रैफिक लाइट, अभी यहाँ से कुछ नहीं होगा 150 मीटर दूर होगा और यहीं तक जाम लगना स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग थोड़ा साइड से होके आगे चलते हैं, अगर समय मिला तो हम लोग लेफ्ट ही कट ले लेंगे, क्योंकि हम लोग लेफ्ट से भी जाके मुड़ सकते हैं आगे, लेकिन फ़िलहाल तो अभी तो सिग्नल ग्रीन दिखा रहा है। एक मिनट, सिग्नल तो ग्रीन है लेकिन पता नहीं क्यों सभी लोग रुके हुए हैं। मुझे लगता है जाते जाते सिग्नल रेड हो ही जाएगा, तो देखते हैं। अब देख रहे हैं सिग्नल अभी ग्रीन है लेकिन कोई अभी आगे ही नहीं बढ़ रहा है। नहीं, अब लोग बढ़ना स्टार्ट कर दिए। सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है गोलघर में और यहाँ पे मोहद्दीपुर, इसी दो जगह पे बहुत ही ज़्यादा जाम लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन ये है, जाम बहुत ही जल्दी क्लियर भी हो जा रहा है क्योंकि सभी लोग सिग्नल के हिसाब से चल रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। आई थिंक मेरे हम लोग के जाते जाते सिग्नल रेड हो ही जाएगा। अब देखते हैं, हम लोग सिग्नल रेड होता है कि हम लोग निकल जाते हैं। लग रहा है कि हम लोग निकल जाएंगे ही। चलिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोग निकल गए। और ये देखिए, अभी हम लोग जस्ट क्रॉस ही किए हैं कि सिग्नल रेड हो ही गया। तो आपने देखा ही, यहाँ पे नियम के हिसाब ही से लोग चल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप भी गोरखपुर में आइएगा तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ट्रैफिक नियम के हिसाब ही से चलना है, नहीं तो आपका चालान बहुत ही हैवी वाला कटेगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।